तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवी ठाकुर और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी। और आज वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी ने आपके लिए तैयार किया है दिल्ली शहर के गुरुद्वारा रोड के ऊपर 80 गज का 3 बेडरूम एरिया, जो कि आपको मिल जाता है टू साइड ओपन होने का मेन बेनिफिट आपको क्या मिलता है दोस्तों, कि कंप्लीट वेंटिलेशन आपको दोस्तों इसमें मिलती है। आगे पीछे दोनों तरफ आपको बैल्कनी इसमें मिलने वाले। तो अभी मैं खड़ा हूँ इसकी फ्रंट की बैल्कनी में, जहाँ से आप देख सकते हैं इसके फ्रंट का व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे आपको तकरीबन 20 से 22 फुट चौड़ी गली मिल रही है, जो कि आपको कनेक्ट कर देगी सामने गुरुद्वारा रोड के ऊपर, और वहाँ से महज 500 मीटर पे मिल जाता है आपको नवादा मेट्रो स्टेशन। तो सबसे पहले शुरुआत में आप इसकी बालकनी का साइज़ देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बालकनी है, जहाँ पे टैप का काम आपको करवा के दिया जा रहा है, जो कि आप अपने वॉशिंग एरिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब बालकनी से होते हुए चलेंगे हम इसके सीधा ड्राइंग रूम एरिया में और देखेंगे आज का 80 गज में रहने वाला 3 BHK फ्लैट, जो कि आपको मिल जाता है टू साइड ओपन। ये इसका पैसेज एरिया दोस्तों, लॉबी एरिया काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है आप देखिए। अभी मैं आपको तरीके से ब्रीफ करूंगा कि किस किस तरीके से आपको ये दोस्तों मिलने वाला है। तो ये हम आ गए हैं इसके दोस्तों ड्राइंग रूम एरिया में, और यहाँ से एंट्री है दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक फ्लोर पे एक ही घर है। अगर आप अपना लॉबी एरिया देखेंगे तो कितना शानदार डेकोरेट किया आप देख सकते हैं। फुटस्टेप लाइट्स लगाई गई हैं, ऊपर भी लाइट्स हैं, ताकि किसी तरीके का स्टेयरकेस पे अंधेरा ना रहे आने वाले के लिए। लिफ्ट इस बिल्डिंग में नहीं है, और आपकी नीचे कार पार्किंग है प्लस बाइक पार्किंग आपको मिलने वाली है इसमें। तो यहाँ से डोर को कर देते हैं नॉक। अब डोर के बाद अगर हम बात करेंगे आपकी सिक्योरिटी पर्पज से, तो आप बिल्कुल सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियोकॉम फैसिलिटी हम आपको लगा के दे रहे हैं। अब यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने की बिल्डिंग अभी आपको दिख जाएगी। देखिए, ये सामने की बिल्डिंग का गेट है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन आपके दरवाजे पर नॉक कर रहा है। जानते हुए तभी आप यहाँ से प्रेस करके अपना दरवाजा अनलॉक करेंगे दोस्तों। तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसके बाद ये रहता है दोस्तों इसका ड्राइंग रूम एरिया, और ड्राइंग रूम में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने यू शेप में सोफा सेट लगाया हुआ है। तकरीबन 7 to 8 पीपल्स का ये सोफा है। आप चाहें इसको कम करना और स्पेस बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक सोफा हटा के यहाँ पे 7 सीटर सोफा लगा सकते हैं, जिससे आपका जो वॉकिंग स्पेस है थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो आप बैक साइड में देख सकते हैं एल टाइप की कंप्लीट वॉल है, जिसको हमने शानदार 3D वॉलपेपर से प्लस लूवर से डिजाइन किया है। और बीच में आप नाइट लैंप्स देख सकते हैं, फोकस लैंप जो लगाए गए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। और इसी इंटीरियर के साथ अगर हम बात करेंगे इसकी फॉल सीलिंग की, तो छत के ऊपर आप देखेंगे एक बेहतरीन डिजाइन तो हम आपको बना के दे रहे हैं, डिजाइन के साथ साथ सेंटर में एक शैंडिलर आपको लगा के दे रहे हैं। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आपको फैन फैसिलिटी मिलने वाली है। बाकी जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है, उसके ऊपर स्ट्रिप लाइट का काम, कॉब लाइट का काम अच्छे से किया गया है। अब ठीक इसके ऑपोजिट बात करेंगे तो हमारा रहता है LCD पैनल। अब हम सेकंड चीज की आपके ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन की बात करेंगे, तो इसी दीवार के ऊपर आपका AC का प्रोविजन आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर आपका शाफ्ट एरिया आ गया, ताकि किसी तरीके की सफोकेशन रहेगी नहीं आपके फ्लैट में। LCD पैनल की बात करेंगे तो बिग साइज का LCD पैनल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बड़े आराम से आप 55 से 60 इंच का TV अपना दोस्तों लगा सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने आपको डेकोरेट करके बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। नीचे दो आपके स्पेस आ गए, जो भी आपका सामान वगैरह है छोटा मोटा आप यहाँ पे आसानी से दोस्तों रख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये आपका फ्रिज का स्पेस है, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। और ड्राइंग रूम में रेफ्रिजरेटर लगाने का सबसे मेन बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि आपको स्पेशली अपने गेस्ट के लिए बार बार किचन से नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से फ्रिज ओपन करके पानी निकाल के उनको सर्व दोस्तों कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इसका ड्राइंग रूम एरिया, अच्छे बड़े साइज का आपको ड्राइंग रूम दोस्तों मिलने वाला है। अब हम देखेंगे इसका पहला बेडरूम, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा इसके अनदर जो फैसिलिटी आपको दोस्तों मिलने वाली है। तो जस्ट ड्राइंग रूम के साथ में आपका रहता है पहला बेडरूम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है, बेड लगाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा राइट लेफ्ट और फ्रंट में आपको स्पेस मिल रहा है। इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज कम ड्रेसिंग दोनों हम बनवा के दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टोरेज का साइज काफ़ी अच्छा है, ड्रेसिंग का काम भी दोस्तों कर रहा है। बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वॉलपेपर प्लस लूवर्स का जो काम है हम आपको करवा के दे रहे हैं स्ट्रीट लाइट के साथ। अब ऑपोजिट वॉल पे आपका LCD पैनल आ गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन प्लस फैन हम आपको लगा के दे रहे हैं। अब इस बेडरूम में आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, वो कहाँ रहने वाला है, वो रहने वाला है यहाँ पे, आप यहां देख सकते हैं स्लाइडर डोर के साथ हम आपको वॉशरूम बना के दे रहे हैं। साइज काफी अच्छा है और कंप्लीट काम के साथ हम आपको बना के दे रहे हैं। सीट आप यहां पे देख सकते हैं, वॉल टू वॉल टाइल्स आपका हो गया। इस तरफ आप देख सकते हैं आपका सामान रखने के लिए रैक्स हैं,
टूथब्रश रखने के लिए, साबुन रखने के लिए सारे हैं, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, टैप, टूटी, गीजर फिटिंग, शॉवर फिटिंग, इस तरह वेंटिलेशन आपका आ गया। इधर कपड़े टांगने के लिए हुक्स आपके आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इधर गीजर फिटिंग आ गई, मतलब जो एक बाथरूम की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज आपको जो फ्लैट है ये टू सेट ओपन रहने वाला है, तो ऑन पेपर आपको मिलता है 75 गज, बट टू सेट बालकनी की वजह से आप इसको यूज़ करते हैं तकरीबन 85 गज। तो इतने बड़े में 3 बेडरूम का फ्लैट और प्राइस बिल्कुल आपके पॉकेट वाला, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो देखते देखते। तो ये है इसकी दोस्तों बैक साइड की बैल्कनी, ये आपकी बैल्कनी आती है जिसको हमने कवर किया है प्रॉपर ग्रिल एरिया से, कंप्लीट ऊपर से आपका प्रॉपर एयर आता है, वेंटिलेशन आपको मिलने वाला है, और ये आपका प्रॉपर स्पेस आ जाता है। आप इसको जिस मर्जी तरीके में रूप में दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, ये आपका ओपन स्पेस आता है। ये था इसका दोस्तों बैक साइड की, फर्स्ट बेडरूम की बैक साइड की बैल्कनी। इसके बाद हम चलेंगे बिल्डिंग के फ्रंट साइड में कि आपको वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। अब अगर हम फ्रंट साइड की दोस्तों बात करेंगे तो फ्रंट साइड में किचन आपको मिल जाती है, आपका कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और दोनों बेडरूम मिलते हैं। और उन देखने से पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके लॉबी स्पेस की, तो ये देखिए कितना शानदार लॉबी स्पेस है। इसमें हमने ग्रीन कारपेट दोस्तों आपको लगा के दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये डिज़ाइन है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, अपनी फैमिली की पिक्चर्स लगा सकते हैं, जो कि आपकी लॉबी को बहुत ही अच्छा निखार के दोस्तों लेके आएगा। लॉबी की फॉल सीलिंग में भी आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लॉबी एरिया के साथ अब हम चलेंगे इसके किचन एरिया में, तो यहाँ से आप देखिए किचन की साइज देखिए कितना अच्छा बड़ा साइज है, और इस साइज को यूटिलाइज कितना अच्छा किया है कि सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पेंट्री बना के दे दी। ये देखिए पेंट्री का स्पेस आ गया, आप यहाँ पे अपना जो भी ग्रोसरी अगर स्टोरेज करना चाहते हैं, वेजिटेबल स्टोरेज करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एल टाइप में पूरी किचन है, नीचे आपके सारे रैक्स तैयार हैं। इधर आपकी साउंडलेस सिंक आ गई, टैप्स आ गए, ऊपर रोज गोल्ड के ग्लास के आपके पल्ले आ गए दोस्तों, इधर चिमनी आ गई, और स्पेस हर स्पेस में आपको कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है, और बहुत अच्छा ग्लास वर्क इसमें कराया गया है। आपको बस क्लोज करना है, अपने आप अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। अब इसी के बाद आपको दिखाता हूँ मैं इसका कॉमन वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम, फिर हम देखेंगे दोनों बेडरूम। तो सीधा टक्कर पर रहता है हमारा दोस्तों वॉशरूम। साइज़ देखिए कितना बड़ा है, कितना अच्छा बड़ा साइज़ आपको मिलने वाला है, और इसके अंदर भी काम आपको सारा करवा के दे रहे हैं। टैप टूटी आ गई, शॉवर फिटिंग आ गई, फैन देख सकते हैं ताकि किसी तरह की गर्मी नहीं लगेगी। अभी आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा आपको दे रहा है वॉशरूम के अंदर भी, मिरर आपने देख लिया, और इधर आपका सामान रखने का ऊपर वेंटिलेशन सब कुछ आपको दोस्तों मिलने वाला है। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम में, जो कि रहता है आपके बिल्कुल सेंटर में, और ये दोस्तों रहता है इसका सेकेंड बेडरूम स्पेस। अब यहाँ से भी इसका भी आप साइज़ देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, बेड लगाया चुका है, राइट लेफ्ट स्पेस आप देख सकते हैं, उधर वेंटिलेशन आ गई शाफ्ट के लिए, और इस तरफ भी आपका ड्रेसिंग प्लस कबर्ड एरिया आपका आ गया। ऊपर भी पूरी आपको स्टोरेज बना के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अमेजिंग सा डिज़ाइन प्लस फैन आपको दोस्तों मिलने वाला है। इस वॉल के ऊपर आपका स्प्लिट एज का प्रोविजन प्लस वॉलपेपर आपका आ गया, और ठीक इसके सामने LCD पैनल यहाँ भी आपका आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है, पैनल यहाँ भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का है, डेकोरेशन के लिए सब चीज़ आपको बना के दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का और अच्छे इंटीरियर के साथ हम आपको दोस्तों ये पूरा फ्लैट तैयार करवा के दे रहे हैं। और सारी चीज़ मैंने आपको इसकी बताई दी है कि ऑन पेपर 75, दो सेट बैल्कनी है तो 85 यूज़ करेंगे। अब इसके बाद चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम में, जो कि रहता है बिल्डिंग के फ्रंट साइड में फ्रंट की बैल्कनी के साथ। तो ये रहता है दोस्तों इसका थर्ड बेडरूम। बालकनी आपने स्टार्टिंग में देख ली थी, जो आपको आपको फर्स्ट बेडरूम बालकनी यहाँ से दिखाई थी दोस्तों। इसके साथ वेंटिलेशन है, यहाँ पे विंडो एसी आपका आ जाएगा, नीचे नेचुरल की विंडो आ गई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेड लगाने के बाद कितना अच्छा स्पेस बच गया है, और यहाँ पे भी आपकी पूरी स्टोरेज आपको मिलने वाली है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बड़ी। और इसके अंदर भी हम आपको यहाँ पे वॉलपेपर आ गया, सामने LCD पैनल यहाँ पे भी आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे भी अच्छा आपको बना के दे रहे हैं, फैन हो गया, लाइटिंग सब कुछ हम आपको करवा के देंगे। और आज का जो फ्लैट आपने देखा है दोस्तों फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, जिसके अंदर हम आपको इतना सारा काम करवा के दे रहे हैं, और इतना सारा काम करवाने के बाद इतने अच्छे बड़े साइज के साथ टू साइड ओपन के साथ जो इसका प्राइस है ना दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग आपके लिए रखा गया दोस्तों। मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो ये आपको 40 लाख के अंदर दोस्तों मिलने वाले, मीन्स आप 40 लाख के अंदर आपको ये फ्लैट दोस्तों मिल जाएगा। लिफ्ट नहीं है, तो जो प्राइस है ये फ्लोर वाइज मैटर करेंगे। जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग प्राइस है 40 लाख के अंदर फुल्ली फर्निश्ड का, ये सेकंड फ्लोर का है। बाकी अपर राउंड थोड़ा सा महंगा है, टॉप फ्लोर उसके अकॉर्डिंग है कि उसमें आपको छत साथ में मिल जाती है। तो हम जो कार पार्किंग की बात कर रहे थे दोस्तों, तो इसके अंदर 3 कार पार्किंग आएंगी, जिसके अंदर से एक सोल्ड आउट हो चुकी है, क्योंकि इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर हमने इसका बेच दिया है। अब जो फ्लोर आपको मिलेगा अपर, सेकेंड, टॉप, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बता दें कि कार पार्किंग ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए, क्योंकि हमने जो टोटल प्लॉट साइज़
में तीन कार पार्किंग देनी है, एक बिक चुकी है, दो और देनी है दोस्तों। बाकी बाइक पार्किंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज आपके लिए नहीं है। तो ये था आज का दोस्तों आपका 85 गज में रहने वाला 2 सेट ओपन 3 BHK का बहुत ही शानदार सा फ्लैट जो कि आपके लिए बनाया गया है दिल्ली शहर में नवादा मेट्रो स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पे, बहुत ही शानदार लोकेशन पे, जो कि आपको मिलने वाली है महज पॉकेट फ्रेंडली प्राइस के साथ। तो कैसा लगा फ्लैट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्त लवी ठाकुर को इस फ्लैट से दीजिएगा इजाज़त। और दोस्तों अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो जो हम बनाते हैं यूट्यूब पे, अगर आपको यही वीडियो शॉर्ट में देखनी है, मीन्स जल्दी जल्दी खत्म करके, मीन्स क्योंकि हर कोई के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि कंप्लीट वीडियो देखे, हर कोई स्किप कर करके देखता है, तो अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो देखने, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी जो कि सेम नाम से है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बहुत सारी हमने बनाई हुई है दोस्तों। और जैसा मैंने आप लोगों के लिए ऑफर निकाल रखे कि आप लोग भी अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, आप सबको दिखाया था कि उसके अंदर हमारे एसोसिएट किस तरीके से अर्निंग करते हैं पैसे की, घर बैठ के भी, पार्ट टाइम में भी, फुल टाइम में भी, तो आप हमारे उस रील के जरिए, उस रील को आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए और कमाइए घर बैठे बहुत ही शानदार सुनहरा मौका अर्निंग करने का दोस्तों रियल एस्टेट में। तो मैं लवी ठाकुर इस फ्लैट से लेता हूं इजाजत, मिलेंगे अपनी नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नई वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, रब राखा, जय हिंद।